नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सीरीज को और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। राजद प्रमुख लालू प्रसाद जो कि रांची रिम्स में भर्ती हैं और सजायाफ्ता है चारा घोटाला के मामले में, उन्होंने अपनी जमानत को लेकर रांची हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इस संबंध में उनके अधिवक्ता धीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुने। RC 64 का मामला है, देवघर कोषागार मामले से जुड़ा हुआ है और इसमें आधी सजा उनकी हो चुकी है पूरी, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको जमानत मिलनी चाहिए, उसी को आधार बनाकर उन्होंने याचिका दाखिल की है। कोर्ट क्या कहता है सर कि ग्राउंड क्या कहता है, संभावना है बेल मिल सकती है आपके हिसाब से कानूनन? ये तो माननीय न्यायमूर्ति ही बता पाएंगे, लेकिन ग्राउंड क्या कहते हैं? ग्राउंड्स हैं कि उनकी आधी सजा समाप्त हो गई है, तो उन्होंने आधी सजा को ही आधार मानकर उनका कहना है, उनके अधिवक्ता का कहना है कि सजा के मिलने की स्पेस में जमानत मिलनी चाहिए। अब सर आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे कोर्ट में सुनवाई होगी, आगे कोर्ट में सुनवाई होगी, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होगा तो मिलेगी। तो जैसा कि आपने सुना, हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद देवघर कोषागार मामले में जमानत याचिका दाखिल कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने बताया कि आधी अवधि उन्होंने जेल में काट ली है, इसको आधार मानकर अब उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की है। अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करते हुए क्या फैसला लेती है, क्या लालू प्रसाद को जमानत मिलती है या अभी वो जेल में और भी समय तक बंद रहेंगे। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए liveseries.in पर जाएं। धन्यवाद।